वेलकम टू माय चैनल मॉम जर्नी। कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में हमें अपने बच्चे के खान पीन में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बारिश के ही मौसम में सबसे ज़्यादा बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि बुखार, पेट में दर्द, लूज़ मोशन, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें खाने पीने की वजह से ही होती हैं। तो हमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे को हमें बारिश के मौसम में क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमें अपने बच्चों को बारिश के मौसम में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है और आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें अपने बच्चे को खाने में नहीं देनी है, ताकि बारिश के मौसम में बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बारिश के मौसम में बाहर का खाना अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे कि स्ट्रीट फूड होते हैं, जैसे कि गोलगप्पे, चाट पापड़ी, इन सब चीज़ों में बारिश का पानी जाता है। किस तरीके से बनाया जाता है हमें नहीं पता, हाइजीनिक है या नहीं है कुछ भी कंफर्म नहीं होता। इसलिए बच्चों को खासकर कि बारिश के मौसम में ये चीज़ें खाने के लिए ना दें, क्योंकि इससे बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकता है और बच्चों की और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आपको ये चीज़ बच्चों को बारिश के मौसम में देना अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी बच्चों को बाहर का खाना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आपको बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बारिश के मौसम में मच्छर वगैरह, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जिससे क्या होता है कि बाहर के जो खाने पीने में मक्खियां वगैरह बैठती हैं, मच्छर चले जाते हैं, तो वो चीज़ें बच्चों को फिर इफेक्ट करता है। बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है बच्चों को, बच्चों को लूज़ मोशन होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बाहर के जो ये गोलगप्पे, चाट पापड़ी, जो स्ट्रीट फूड होते हैं, ये आपको अवॉइड करना है। नंबर टू, बच्चों को खास करके बारिश के मौसम में आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देनी है जो फ्रिज में रखी हुई हो। यानी कि फ्रिज से कोई भी चीज़ डायरेक्ट निकाल के बच्चों को नहीं खिलानी है। अगर आपको कोई चीज़ खिलानी भी है, तो आप पहले उसको फ्रिज से आधे घंटे पहले आप उसे निकाल लीजिए, यानी कि इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, उसके बाद ही बच्चों को खिलाइए। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप फ्रिज से निकाली हुई चीज़ बच्चों को खिला देंगे, तो बच्चों को इससे सर्दी जुकाम होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और साथ ही आपको बच्चों को ठंडा पानी भी नहीं देना है, जैसे कि बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में अगर आप अपने बच्चे को ठंडा पानी पिलाते हो, तो वो फिर बच्चे को इफेक्ट करता है, बच्चे की तबीयत खराब होती है। तो आपको ठंडा पानी भी बच्चे को अवॉइड करना है। और 2 साल से छोटे बच्चे को आपको पानी को गर्म करके फिर उसे नॉर्मल करके ही बच्चे को पिलाना होता है। 2 साल तक के बच्चे को हमेशा वाटर बॉयल करके पिलाना चाहिए, उसके बाद बच्चे को आप नॉर्मल वाटर पिला सकते हैं। ठंडा पानी आपको फ्रिज का बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चे को। नंबर 3, आपको अपने बच्चे को बारिश के मौसम में आइसक्रीम, चॉकलेट, जो बाहर के जंक फूड्स होते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खिलाने हैं ठंडी चीज़ें, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर सर्दी जुकाम होने के चांसेस होते हैं। और आपको साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चा बारिश में ना भीगे। अगर आपका बच्चा छोटा है, तो आपको बिल्कुल भी बच्चे को बारिश में नहीं भीगने देना है। और अगर बाई चांस किसी वजह से बच्चा भीग भी जाता है, तो बच्चों के कपड़े आपको तुरंत ही उतार देने चाहिए। बच्चे को गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि गीला रहने से बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। साथ ही आप कभी कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो अपने साथ 2-3 कपड़ों के पेयर एक्स्ट्रा ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो कभी भी बारिश आ सकती है और बच्चे भीग सकते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा एक्स्ट्रा कपड़े अपने साथ ज़रूर रखने चाहिए। फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से बच्चे के खान पीन में ध्यान देना है। जितना हो सके बच्चे को बारिश, खास करके बारिश के मौसम में, वैसे तो हमेशा ही हमें अपने बच्चे को अच्छे खाना पीना का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खास करके बारिश के मौसम में, जैसे कि बारिश के मौसम में हम सबको पता है कि बीमारियां बढ़ जाती हैं, वायरल फीवर बढ़ जाता है, मच्छर वच्छर की वजह से डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह हो जाता है। तो इस दौरान हमें अपने बच्चे के खान पीन में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आपको जितना हो सके बच्चों को हेल्दी फूड, घर का बना हुआ खिलाइए। फ्रेंड्स, होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि बारिश के मौसम में उन्हें बच्चों को क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।